हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं स्टेडियम जो कि रुद्रपुर उधम सिंह नगर का है। यह इसका पहला गेट जो कि हर समय बंद रहता है, जब गेम्स होते हैं तभी ओपन होता है। अब मेरे साथ आए आज मनोज जो कि मेरे साथ स्टेडियम चल रहे हैं। अरे पीछे देखो, ये स्टेडियम का मेन रोड है। काफ़ी तादाद में यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक का स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पर घूमते रहते हैं। तो दोस्तों, हम पहुँच गए हैं स्टेडियम में और ये मेन गेट है यहाँ का। और हमने स्टेडियम पे एंट्री कर ली है और यह यहाँ का स्पोर्ट्स स्टेडियम बढ़िया बना दिया है यहाँ पर। और ये कुछ इस तरीके से है यहाँ का स्टेडियम। और हम आपको स्टेडियम के मनोज के साथ हम ऊपर जा रहे हैं और अभी कार्य लगभग लगभग चल ही रहा है इसमें। अब मनोज के साथ हम पहुंच गए हैं। वैसे दिल्ली का वानखेड़े स्टेडियम फेल है इसके सामने। हाँ दोस्तों, ये है यहाँ का रुद्रपुर का स्टेडियम। ये सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये कुछ ही समय बाद इसमें कंपनी का हॉस्पिटल खुला जाएगा। और आप देख रहे होंगे रुद्रपुर के चारों तरफ लाइटें। ये लाइटें हाल ही में ही बनाई गई हैं। और ये जो ट्रैक आपको दिख रहा है रनिंग का, यह 400 मीटर का ट्रैक है जो कि इसमें काफ़ी लोग अपनी तैयारियां करते हैं। आर्मी, पुलिस और अदर फोर्सेस की तैयारियां इसमें लोग करते हैं। और अभी भी देखो आप, आज संडे है, काफ़ी तादाद में लोग क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पर। क्रिकेट प्रेमी यहाँ पर काफ़ी हैं, पर ये लोग कुछ लोग इसमें कंपनी के हैं इसलिए संडे को ही इनको टाइम मिल पाता है। मैं आपको स्टेडियम की दूसरी तरफ ले चलता हूँ। ये है यहाँ का स्टेडियम का पार्किंग। यहाँ पर देखो बाइक पार्क कर रखी है। ये है तुम्हारा कार पार्किंग का। और जैसे जैसे लोग आ रहे हैं वैसे वैसे गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क करते जा रहे हैं। और मैं अगर आप दोस्तों, ये है यहाँ का मंच, स्टेट का जो है मंच है, इसमें हम बैठ कर यहाँ पर से पूरा मैच का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और मेरे साथ है मनोज। हाय भाई, थोड़ा काली धुंध में दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन बहुत चेहरे और दिल से बहुत साफ है। और ये स्टेडियम का अंदर का गेट है। इसमें अंदर आपका बैडमिंटन, टेनिस और खेला जाता है। और ठीक पेड़ों के बीचों बीच अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर सरदार उधम सिंह महाराज की आपको यहाँ पर प्रतिमा दिखेगी। और मेरे साथी तो कह रहे हैं इन जनरल डायर को भी इन्हें नहीं मारा था। हाँ, तो काफ़ी बदल गया है रुद्रपुर का स्टेडियम। पहले कुछ सालों पहले या थोड़ा अलग था लेकिन अब काफ़ी बदलाव और चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अभी जो रुद्रपुर आना चाहते हैं तो वो इस स्टेडियम में ज़रूर आएँ, क्योंकि अब यह स्टेडियम काफ़ी बड़ा और काफ़ी विशाल बन चुका है। ये मैं आपको बास्केटबॉल का कोर्ट दिखा रहा हूँ और ये टेनिस का भी कोर्ट इसी में ही है, लॉन टेनिस का। और ये इसमें हॉस्टल की भी सुविधा है, अगर सामने आप अच्छे से देखें तो इसमें ये स्पोर्ट्स पर्सन की हॉस्टल की भी सुविधा इसमें दी गई है। तो जिसको भी मेरी वीडियो, जो भी पर्सन मेरी वीडियो देख रहा है, अगर उसे थोड़ा भी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरा चैनल अगर उसको सब्सक्राइब करता है तो मुझे काफ़ी खुशी होगी और मैं इससे अच्छी और बेटर वीडियो आपके पास लेके आऊँगा। तो आप वीडियो को लाइक और कर सकते हैं और अपने नीचे सुझाव, अपने कमेंट नीचे लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।